एकांतशीली। एक योजना बनाकर दिन में एकांत ढूंढो, योजना बनाकर थोड़ी योजना बनाइए, एक गंभीर बनो अपने एकांत के लिए। एकांत का अर्थ है अंतर्मुख होने के लिए। एकांत का अर्थ है कि हम बहुत बहिर्मुख हैं, हमारी इंद्रियां बाहर हैं, मन बाहर है, हम बाहर हैं। इतनी व्याकुलता इसे देखने की, जानने की, छूने की, चखने की, समझने की, इतनी व्याकुलता, इंद्रियां इतनी ज्यादा बाहर हैं, वो अंदर रहना नहीं चाहती। एकांतशीली, एकांत का अर्थ लोनलीनेस नहीं है, एकांतशीली इसका अर्थ है एकांत पवित्र हो, एकांत सार्थक हो, उपयोगी हो, रचनात्मक हो, एकांत सकारात्मक हो। एकांत में तो है पर एकांत में कर क्या रहे हो? मैंने एकांत में तो बैठे हो पर कर क्या रहे हो, सोच क्या रहे हो? वो कितना रचनात्मक है, कितना सकारात्मक है, कितना विधेयक है। एकांतशीली, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि थोड़ा एकांत ढूंढो, दिन में एकांत निकालो, अपने साथ रहो, अपने ध्येय की पूर्ति के लिए, लक्ष्य की सिद्धि के लिए एकांतशीली। जड़ांध बहिराकृति, इसका अर्थ कुछ और है, थोड़ी देर के लिए जड़ हो जाओ, इसका अर्थ एकदम शांत। एक कमांड दीजिए मन को, चुप हो जाओ, बस चुप। अब ज्यादा बोलेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, शांत अपने में लौटो, स्वयं में, अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपनी सत्ता में, निजता में, अपने अपने आप में लौटो। बी विथ सेल्फ, खुद के साथ रहना सीखो। एक ऐसा समय लाओ दिन में कि आप अपने साथ हैं, व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, दृश्य, घटना, रंग रूप, मनोरंजन के साथ नहीं। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जो नग्नता है, जो फूहड़पन है, उसे निकलिए, बाहर आइए, बुद्धू बक्से से बाहर आइए। इन दृश्यों में जो हिंसा है, हेयता है, नग्नता है, फूहड़पन है, हम तो एकांत में बैठे हैं पर एकांत में तो बुद्धू बक्से के साथ बैठे हैं, आप टीवी मॉनिटर के साथ बैठे, अपने साथ बैठे। बी विथ सेल्फ, खुद के साथ बैठिए। ये युधिष्ठिर का के उपदेश है एकांतशीली। फिर क्या, जड़ांध बहिराकृति, जड़ हो जाओ, एकदम शांत, चुप। आगे बताता है श्लोक, थोड़ी देर के लिए अंधे हो जाओ, इसका अर्थ ज्यादा मत देखो, अपनी प्रज्ञा के साथ हो, बघिर हो जाओ, थोड़ी देर के लिए मौन हो जाइए, मौन। जैसे गूंगा व्यक्ति बोल नहीं पाता पर गुड़ दे दो तो फिर देखो, गुड़ देने के बाद, मीठा फल देने के बाद, या तिक्त फल देने के बाद, कड़वा फल देने के बाद, उसके मनोभाव देखिए। एक गूंगे व्यक्ति को आप दें कड़वा फल तो फिर उसके मनोभाव देखिए, अथवा उसके मुखमंडल की आकृति देखिए, पता लग जाएगा इसे कड़वा लग रहा है, तिक्त लग रहा है, अथवा मीठा लग रहा है। एक बार अपने साथ तो बैठो, आपको क्या रस मिलेगा। जड़ांद बघिराकृति, एक बार अपने साथ रहे। और अपने साथ तब रह सकते हो जब मंत्र का साथ हो, कोई आदर्श हो, कोई बड़ा आकार हो। तो एक अभ्यास बनाइए, एक बड़े आकार के साथ, मंत्र के साथ, अपने इष्ट के साथ, कथानक के साथ, चरित्र के साथ, एक दिन निगल पड़ो उस एकांत की यात्रा में, राम के साथ, कृष्ण के साथ, उनके अनेक पात्र हैं। विजुलाइज कीजिए शबरी के बेर को, सुलभा के साग को, जो कथाएं उन्हें ऐसे विजुलाइज कीजिए, उनको देखो क्या चल रहा होगा, हुआ क्या होगा। शबरी ने जब बेर दिए होंगे तो राम क्या, राम को सोचो उस समय, शबरी को। जो मीठा प्रसंग है एकांतशीली, परीक्षित के समाचार सुनते निगल पड़े, नर नारायण पर्वत के मध्य में भैरवी चक्र, उर्वशी पीठ और अलकनंदा के तट पर विदुता शेष कलमशः
भागवत ऐसा कहती है कि जैसे अलकनंदा के दर्शन हुए वहां कलमश रहे ही नहीं कोई। बद्रिकाश्रम में जैसे ही पहुंचे और वो भीम ने पुल बनाया, शिलापट स्वर्गारोहण किए और निकल गए अलकापुरी की ओर। विदुता शेष कलमश, कलमश ही नहीं रहे कोई। कहीं कहीं का परिवेश आपके काम दर्प कंदर्प क्लेश कषाय और कलमश को शांत करता है। किसी किसी परिवेश में ऐसी सामर्थ्य होती है कि जो आपका दर्प है कंदर्प है काम है कषाय है क्लेश है ये शिथिल होते हैं शांत होते हैं। हरित भूमि तृण संकुल समुझ परे नहीं पंथ जिमि पाखंड बादते लुप्त होए सुप्त होए गुप्त होए सदग्रंथ। जैसे वर्षा काल में चातुर्मास के समय हरितिमा कैसे देखिए धरती पर कैसे हरियाली उगाती है पगडंडियां छिप जाती हैं और कभी कभी किसी काल में वे सब उजागर भी होते हैं। महत्वपो तप्य माना परिमित हारा एकांत शैली जड़ांध बगेरा कृति। साधना में जो एकांत है इसका अर्थ केवल इसका अर्थ गिरी गुहाओं में कंदराओं में हिम गुहाओं में गुफाओं में गह्वरों में ही जाना नहीं है। एकांत का अर्थ है एक शिष्ट सभ्य सुसंस्कृत विचार के साथ रहना, इंद्रियों के आवेश उसकी उत्तेजना उसके उन्माद को शांत करके रखना। एकांत का अर्थ यहां एकाग्रता से भी है कि जो आपकी वृत्तियां हैं उनमें एकाग्रता आए है।